देखा जाए तो कई मायने में टीम इंडिया के लिए अब वर्ल्ड कप के असली सफर की शुरुआत हुई है। जी हाँ, अब तक जो हुआ, अब तक जो होना था वो हो चुका, और जो हुआ उसकी हर किसी को उम्मीद थी, उसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। इंडियन टीम पहले राउंड में अच्छा करेगी, सुपर एट में पहुंचेगी, उम्मीद था, इंडिया ने वही किया। इंडियन टीम सुपर एट के पहले दोनों मुकाबले जीतेगी, चाहे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इनकी रैंकिंग भी इनसे नीचे थी, खिलाड़ी भी इनके पास बड़े थे, ये हो गया। अब टीम इंडिया के लिए सही मायने में वर्ल्ड कप नॉकआउट शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आप सोचेंगे कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हार भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, फर्क बहुत पड़ेगा। इन ए वे ऑस्ट्रेलिया के साथ ही आपका नॉकआउट शुरू हो जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला इसलिए जीतना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतेगी इंडिया तो इंडिया टॉप करेगी ग्रुप में। टॉप करने का मतलब है अगर इंडिया टॉप कर जाती है और गयाना में सेमीफाइनल के दिन बारिश की संभावना है, 70% बारिश की संभावना है, अगर ऐसा कुछ होता है और मैच नहीं होता है तो जो ग्रुप में टॉप टीम है वो सीधे फाइनल में पहुंचेगी। यानी एक तरह से देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला है वो अपने आप में हाफ सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल तो एक होगा ही अलग से, लेकिन वो अपने आप में हाफ सेमीफाइनल होगा, क्योंकि अगर बारिश होती है तो ये तो हाफ सेमीफाइनल कह ले या क्वार्टर फाइनल कह ले, आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये आपको हमने बता दिया कि ये इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया को वो मैच जीता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया चाहेगी कि हम बदला लें, जो 2023 में हुआ था वर्ल्ड कप के फाइनल में ये हारी थी टीम, तो वो भूली नहीं होगी। और कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक सीरियस जो चैलेंज है, सीरियस पहली बार टूर्नामेंट में इंडिया एक ऐसी टीम से भिड़ेगी जो इनकी ताकत और कमजोरी दोनों को उजागर करेगी। और अगर इंडिया के लिहाज से देखा जाए, जो सबसे प्रोमिनेंट बात देखने को मिली है, धीरे धीरे ये टीम रिदम में आ रही है। रोहित शर्मा ने आज जो उन्होंने भले ही 11 गेंद पर 23 रन बनाए, रन बहुत कम है 11 गेंद पे दे, लेकिन इससे आपको टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी पता चलती है कि विराट का रोल रहेगा एंकर का, विराट टीम को स्टेबलाइज करेंगे और रोहित दूसरे छोर पे धुआंधार बल्लेबाजी चलते रहेगी। कैप्टन ने ठीक 2023 वर्ल्ड कप की तरह अपने विकेट की परवाह नहीं की, और आप सोचेंगे 23 रन की पारी क्या है, नहीं, ऐसी ही पारियों की आपको जरूरत है। और इस टीम का टेम्पलेट, टीम इंडिया का टेम्पलेट अब समझ में आ रहा है कि आपके पास 8 बैट्समैन है, आप खुल के खेलिए, खासकर ऐसी पिचेस पर जहां पर रन है। हाँ, चैलेंजिंग विकेट रहेंगे तो इंडिया का अप्रोच चेंज होगा, और इसलिए इंडिया के पास दो बैट्समैन वैसे हैं, चाहे रोहित हो चाहे विराट हो, वो चेंज कर सकते हैं। तो जो हम लोग आलोचना कर रहे हैं कि भाई इंडिया का बैटिंग ऑर्डर जो है फिक्स हो गया है और इंडिया का जो इंडिया को बदलाव करना चाहिए, नहीं, अब यही चलेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझ में आ रही है कि अब इस टीम में किसी को अब जगह बदलते दिख नहीं रहा है। संजू सैमसन को मौके तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि ऋषभ पंत अगर इंजर्ड ना हो जाए या कोई और बात हो, तो संजू सैमसन को मौके मिलना मुश्किल दिख रहा है। यही हाल यशस्वी जायसवाल का है। युजवेंद्र चहल अनफॉर्चुनेटली इस जनरेशन के बेस्ट लेग स्पिनर रहे हैं, किसी भी वर्ल्ड कप में उनको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है, तो यहाँ पर भी शायद कहानी वही हो। लेकिन इंडिया हो सकता है गैम्बल करे, तो युजवेंद्र चहल का अब भी मौका है, सिराज आएंगे किसी मैच में अगर ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर इंडिया के लिए अगर देखा जाए, जिस कॉम्बिनेशन की लड़ाई थी, जिस इक्वेशन की लड़ाई थी, वो लगभग आपको दिखती जा रही है। टीम सही टाइम पे पिक कर रही है, जो कुलदीप यादव ने विकेट लिए हैं, जसप्रीत बुमराह किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं, अक्षर पटेल चिप इन कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या की हमने बात कर ली है, रोहित शर्मा से रन बने हैं, विराट कोहली, मैंने बताया विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, सेमीफाइनल फाइनल को देखेंगे, एक प्रोमिनेंट पारी वो खेलेंगे। तो कुल मिलाकर यही है, फिलहाल हमारे साथ इतना ही, लगातार देखते रहिए। अब हमारा भी सफर होगा सेंट लूसिया की तरफ, वहां से लेटेस्ट आपको खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। I am not dealing with no doctors today. What do you make of Jasprit Bumrah? What's your Bumrah? How are you? I'm good. Long time. Former doctor, Mr. Andy Roberts. Sorry. Okay. See you. All right, sure. Andy, we have some little guys here. Just. All right. Sorry. Okay.
So anything about the match, like Bangladesh, you were in Bangladesh. What can I say? I can't say sorry, because maybe tomorrow night I will be saying sorry to West Indies. No. That's how the game goes. You win some and you lose some. Do you remember about Mashrafi bin Murtaza? Kaushik, yes. Okay, so that means I know him very well. Yes. Do you have any touch with him? Not for a while. Maybe last couple of years, yeah, but before then. Okay. Sir, did you enjoy watching Hardik Pandya and Bumrah bowling? Not really. That's good enough, sir. Thank you. अरे अपना सामान विवेक वही है, देखो वही है, देख रहा हूँ, नजर रखना. I think a high scoring game, because sometimes the bowlers are not always on, you know. West Indies don't want to play 150 game. They want to play 150 game. They want to play 185, 190 game. That's right. That's right. Plus for sure. They need a cushion. Right. To be a little more comfortable that if, you know, that if they don't play or if they don't bowl well. Yeah. I always believe it. West Indies chasing, I want them to chase 180. I don't want them to chase 140. No, it's just the field. All right, my pleasure, man. Yeah, man. All the very best. I'll see you next time. All right, my brother. It's a pleasure, man. Good time spending time with your brother, you know? Oh, yeah. Good. Yeah. Take care. I have to meet you guys. All the best. Take care. Thank you, Marvin. Good, man. Okay. See you, man. Yeah, please, yeah.